भगवत गीता का जो उपदेश है वो पूरे मानव समाज के लिए है, और भगवत गीता का उपदेश सबसे प्राचीन शिक्षा है इस पृथ्वी पर। यही उपदेश जो कि हम गीता में पढ़ते हैं, जो हम समझते हैं कि भगवान ने 5000 साल पूर्व दिया है, असल में ये उपदेश भगवान ने लाखों साल पूर्व सूर्य के देवता विवास्वान को दिया था। भगवद गीता के द्वारा हमें हमारे स्वरूप के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। आज अगर आप साधारण व्यक्ति से पूछो कि उनका असली स्वरूप क्या है, तो बहुत कम व्यक्ति ठीक उत्तर दे पाते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस अध्याय में हमें अपने स्वरूप के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि ये जो शरीर है ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। तो असली स्वरूप क्या है? असली स्वरूप है आत्मा। आत्मा को शरीर ढक रहा है। जिस प्रकार जो वस्त्र आपने और मैंने पहने हैं वो हमारे शरीर को ढक रहा है। और आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा के विषय में कहा गया है कि ये सनातन है। ये जो भौतिक शरीर, चाहे वो करोड़पति व्यक्ति का हो या गरीब व्यक्ति का, ये 6 अवस्थाओं या स्थितियों से गुजर कर जाता है। आदम में जन्म लेता है, आस्ते आस्ते बढ़ता है, और अंत में ये बूढ़ा होता है और फिर नष्ट हो जाता है। जब नष्ट होता है तो हम मानते हैं कि व्यक्ति का देहांत हो गया, तो हम कहते हैं ये गुजर गया, इसकी मृत्यु हो गई, इसका देहांत हो गया। पर जो शरीर है वो तो वहां ही उपस्थित है, तो हम क्यों कहते हैं कि उसका देहांत हो गया? हम इसलिए कह पाते हैं क्योंकि वो जो उस व्यक्ति के हृदय में जो आत्मा थी, वो आत्मा छोड़कर किसी और स्थान पर चले गई है। दूसरे शब्दों में आत्मा का जो स्वरूप है वो यह है कि उसका ना तो कभी जन्म होता है, ना ही उसका अंत आता है, या आत्मा जो है सनातन है। तो आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर है। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार 84 लाख किस्म की योनियां हैं, जिसमें कि मानव योनि केवल 4 लाख ही मानी जाती हैं। या दूसरे शब्दों में मानव शरीर जो है बहुत कठिनाई के साथ प्राप्त होता है, जिसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। साधारण स्थिति में भी हम देख सकते हैं कि मानव देह और पशु की जिंदगी में अंतर है। अंतर क्या है? मानव शरीर के द्वारा हमें अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। तो गीता का क्या उपदेश? गीता में हमें वैदिक शास्त्रों का सार प्राप्त होता है। वैदिक शास्त्र, वेद शब्द जो है उसका अर्थ है ज्ञान। तो आप कहोगे जो ज्ञान हमें पाठशाला और महाविद्यालयों में प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञान और वैदिक ज्ञान में क्या अंतर? अंतर यह है कि भौतिक ज्ञान में सबसे पहले
तो चार प्रकार के दोष हैं या कमियां हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में किसी प्रकार का दोष नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कमी है। इसीलिए हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। हम सब प्रयास करते हैं, जब जवानी रहती है, सेहत ठीक रहती है, धन होता है जेब में, तो हम यही सोचते हैं ये भौतिक जीवन के द्वारा केवल सुख ही सुख प्राप्त होगा। पर इच्छा के बिना हमें सात प्रकार के कष्टों को भुगतना ही पड़ता है। कोई नहीं चाहता, पर हमें जबरदस्ती इन क्लेशों के सामने झुकना पड़ता है। क्या है ये कष्ट? एक पहला कष्ट हमें महसूस होता है जन्म के द्वारा। जब बच्चा जन्म लेता है तो आपने देखा होगा कि वो केवल रोते हुए इस जगत में आता है। इसका क्या संदेश है कि माता की घर में बड़ी कठिन स्थिति में रहते हुए जब बच्चा जन्म लेता है तो रोते हुए बाहर निकलता है। कोई बीमार नहीं होना चाहता, चाहे आप डॉक्टर हो या आपका अपना हॉस्पिटल हो। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। अगर आपके पास कोई ऐसा जादू हो कि आप बुढ़ापेपन को रोक सको तो सभी आपके ग्राहक बन जाएं। और कोई मृत्यु के सामने झुकना नहीं चाहता। इन चार कष्टों के अलावा हमारा मन अनेक रूपों से हमें कष्ट देता है। जब आप देखते हो कि आपके मित्र के पास कोई सुविधा है जो आपके पास नहीं है तो आपका मन सताता है। जब किसी मित्र या रिश्तेदार का देहांत होता है तो फिर भी मन हमें सताता है। तो अनेक रूपों से मन हमें सताता है और मन बेचैन रहता है, मन में भय है। एक बड़े महान भक्त ने कहा है, बाजा होड़े मना श्री नंद नंदना भय चरना रविंद्रे। हे मेरे प्रिय मन, तुम भय से भरे हुए हो। जैसे हम कह चुके हैं 84 लाख योनियां हैं, जिसमें सिर्फ 4 लाख योनियां ही मानव की हैं। दूसरे शब्दों में ये जो कठिन मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो इसका ये परिणाम होगा कि हमें भी ये दूसरी योनियों में जन्म स्वीकार करना पड़ेगा और उन योनियों के द्वारा हम जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। केवल मानव योनि के द्वारा ही ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हो कि किस प्रकार से आप अपने आप को जन्म मृत्यु के बंधन से आप बचा सकते हो। तो भगवद गीता के द्वारा भगवान कह रहे हैं किस प्रकार से अपने जीवन को आप शुद्ध बना सकते हो। जैसे भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयोजते। खाए बिना तो कोई रह नहीं सकता, खाने की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं, पत्ता फल जल मुझे अर्पण करो प्रेम के साथ और मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जिसके द्वारा भगवान के प्रति हम स्नेह प्रेम बढ़ा सके और पैदा कर सके। और हमारे वैदिक शास्त्र में लाखों मंत्रों का उच्चारण है, पर एक मंत्र को महामंत्र के रूप में बताया गया है या इस कलयुग में खुशी का साधन, वो है ये हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या हरे कृष्ण मंत्र में 16 शब्द हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हमें हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारे आपके अपने चरणों में रखिए और इस दिव्य नामों के उच्चारण से जो हृदय में मैल है, जैसे बादल के होते हुए अब सूर्य को नहीं देख सकते, धूल के होते हुए अब आईने में अपने चेहरे को नहीं देख सकते, पर धूल जब दूर हो जाती है तो आप अपने आईने में अपने चेहरे को फिर से देख सकते हो। तो उसी प्रकार ये जो भौतिक धूल जिसके कारण, जिसे हम अज्ञानता बुलाते हैं, जिसके कारण आप अपने आप को नहीं पहचान सकते, इस धूल को दूर करने की आवश्यकता है। और इस धूल को आप दूर कर सकते हो कैसे? भगवान के दिव्य नामों के उच्चारण के द्वारा। आपसे हम एक बहुत सरल विनती करने आए हैं कि किसी न किसी रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए आपको समय अवश्य ही देना चाहिए। आप कहोगे स्वामी जी हम आपकी बात मानते हैं, पर आप जानते नहीं कि आज के जीवन में हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है और समय नहीं है, करें क्या? देखिए जब कोई रोग पीड़ा बीमारी आप पर गिरती है तब सब अपॉइंटमेंट कैंसिल करके अपने शरीर को ठीक करते हो पहले, ठीक है ना? तो उसी प्रकार जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए तो हमें समय निकालना ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या कार्य है? धन संपत्ति रिश्तेदार सब यहां ही रह जाएंगे, आपके साथ केवल जो आपने पुण्य कर्म किया है वो ही आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए महान ऋषि मुनियों ने श्रीमद् भागवत भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों में यही कहा है कि किसी न किसी रूप से आध्यात्मिक ज्ञान जरूर अनुकूल करो भौतिक ज्ञान के साथ। आपने भौतिक शिक्षा प्राप्त करनी है तो करो, पीएचडी करो, डबल पीएचडी करो। हमारी संस्था में हजारों भक्त हैं जिन्होंने पीएचडी एमए वगैरह किया है, पर साथ में आप जीवन का जो उद्देश्य प्राप्त करने का माध्यम है उसके संबंध में जो शिक्षा है उसको भी समझने का प्रयास करो। तो परम भगवान श्री कृष्ण अलग अलग समय में अवतारित होते हैं और चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में वो अवतारित हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, भगवद गीता श्रीमद भगवतम का अध्ययन करो। भगवद गीता और भगवतम भगवान की वाणी है। भगवान तो अपने दिव्य धाम चले गए हैं पर वो अपनी वाणी को छोड़ गए हैं इन शास्त्रों में। तो जब हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता है कि मानव जीवन का किस प्रकार से हमें उपयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama.